गिरिडीह पुलिस ने एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर एक बार फिर साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने जिले के गांडे और अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर 13 साथी साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इन गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 28 मोबाइल फोन, 43 सिम कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, 1 पासबुक, 1,35,000 नगद समेत 1 कार और 2 बाइक बरामद किए हैं। गिरिडीह पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर एसपी ने कहा कि गिरिडीह से साइबर अपराध को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। उन्होंने साइबर अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग साइबर अपराध के इस अवैध धंधे में शामिल हैं, वो या तो साइबर क्राइम करना छोड़ दें या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहे। गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना मिली कि अहिल्यापुर और गांडे थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी ठगी करने की योजना बना रहे हैं। साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी संदीप सुमन के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और टीम के द्वारा कुल 13 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इनके पास से 28 मोबाइल सेट, 43 सिम कार्ड, जिसमें 8 फर्जी सिम कार्ड मिले हैं और इसमें जो फर्जी सिम सप्लायर था वो भी पकड़ा गया है, 5 एटीएम कार्ड, 1 पासबुक, 2 पैन कार्ड, 1 ब्रेजा कार जो साइबर अपराध में जो ठगी के पैसे थे उससे खरीदी गई कार थी, 2 मोटरसाइकिल और नगद 1,35,000 रुपये पकड़े गए हैं। इन्होंने स्वीकार किया है कि मातृत्व लाभ की राशि दिलाने के नाम पर ये ठगी किया करते थे तथा गूगल पर फर्जी कुरियर सर्विस का ऐड डालकर ठगी किया करते थे तथा इसके साथ ही बिजली बिल रिचार्ज कराने के माध्यम से उनकी ठगी करते थे लोगों से। वृद्धा अवस्था का जो पेंशन का जो पैसा होता है उसको दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे। साइबर अपराधियों के विरुद्ध गिरिडीह पुलिस लगातार छापामारी कर रही है और ये छापामारी आगे भी जारी रहेगी। सर, आज सैकड़ा पूरा हो गया गिरफ्तारियों का। पुलिस नंबर्स पर भरोसा नहीं रखती है। पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि जितने भी साइबर अपराधी इस जिले में हैं और जो सक्रिय हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजेगी।